हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस पार्ट में हमें स्टार्ट करना है डीम्ड रजिस्ट्रेशन के टॉपिक से, और ये आज लास्ट पार्ट है रजिस्ट्रेशन के टॉपिक का, और इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन फुल्ली अपडेटेड तरीके से ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि सर डीम्ड रजिस्ट्रेशन होता क्या है, मतलब डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। पहले क्वेश्चन समझो कि हम ये कब मान लेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो पहला इन्होंने कहा कि अगर आपने UIN ले लिया, लेट सपोज आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आप कोई एम्बेसी हो और आपने UIN नंबर ले रखा है, तो हम ये मान लेंगे कि आपने GST में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ओके फिर यहाँ पे आता है पॉइंट नेक्स्ट 25 सबसेक्शन 10 का, एनी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एनी रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। किसकी सर? UIN नंबर की एप्लीकेशन को। ओके अंडर द SGST एक्ट और UTGST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो हम अगर UIN के अंदर रिजेक्ट किया तो भी हम ये मानेंगे कि GST के एक्ट के अंदर उसको रिजेक्ट किया गया था। ओके सर, बस इतना छोटा सा लॉ है। हाँ जी सर, इतना छोटा सा है। क्या एग्जाम में आएगा? सर 2-स्टार टॉपिक ही कहूँगा सर, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बहुत इजी है। इसमें आपको UIN को ही इंडिकेट करना है, और बाकी एक बार होमवर्क में इसको एक बार रीड कर लेना, एग्जाम में आएगा तो आप डील कर पाओगे अगर आपको थोड़ा सा भी याद है। ओके सर, नाउ सर सेक्शन 27 कहाँ गया? 28 तो ये दिख रहा है सर, ये जो इससे ऊपर आपने पढ़ा था ना, ये सेक्शन 27 ही था। मैंने यहाँ मार्क भी किया था सेक्शन 27। ओके तो अब आज हमें बात करनी है सेक्शन 28 की, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर हमने तो सिलेबस में अमेंडमेंट पढ़ी थी कि GST में अमेंडमेंट होती है, टैक्स में होती है, लॉ में होती है, ये कौन सी अमेंडमेंट है? सर ये रजिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट है। सर रजिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट मतलब देखो इसमें आप क्या क्या बदल रहे हो, जरा मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली बात होती है कोर फील्ड की, और एक होता है नन कोर फील्ड। सर ये दोनों में क्या है सर? सर और एक और होता है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एनी बिजनेस, मतलब आप बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर रहे हो। तीन टाइप के चेंजेस की यहाँ पे बात की गई है, और इन तीन टाइप के चेंजेस को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। सर कोर फील्ड मतलब, कोर फील्ड मतलब जैसे CA ड्रीमर्स द एवेंजर अपने आप में है। अब इसकी ऑनर कौन है? सर VM सर। लेट सपोज मेरी डेथ हो गई, अब मेरा भाई जो है DM वो इसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कोर फील्ड चेंज हुआ, मतलब कि बिजनेस ऑनर ही चेंज हो गया, ठीक है, या फिर बिजनेस प्लेस चेंज हो गया, मतलब वो एरिया जिसको इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, कोर फील्ड ही चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में इसके बारे में बताया गया। क्या बता रहे हैं सर, आइए सुनते हैं। इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कोर फील्ड, कोर फील्ड मतलब मैंने अभी बताया, जैसे एड्रेस हो गया, ऑनर का नेम हो गया, बिजनेस का नेम हो गया। अभी है CA ड्रीमर्स द एवेंजर, अब भी मैंने इसको चेंज करा दिया। एवेंजर बोले तो भाई, ABTV क्या? एवेंजर बोले तो भाई, भाई मतलब मैं। हाँ लेट सपोज मैंने ऐसा मजाक किया ऑफ इन्फॉर्मेशन, द प्रॉपर ऑफिसर में, अब प्रॉपर ऑफिसर के बाद लिखा है में, मतलब वो चाहेगा तो, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कि भैया जो भी जानकारी है उसको दी गई है। सर क्यों बदल रहे हैं आप, ऑनर क्यों बदल रहे हो? सर मैंने इसको बेच दिया, अच्छा मेरी डेथ हो गई, या फिर वो मेरा लीगल हायर है। ओके फर्निश मतलब जैसी जानकारी आपने बताई है वो, फर्निश मतलब जैसी जानकारी आपने यहाँ पे बताई है उसके बारे में, और एज असर्टेन बाय हिम, या फिर उसने खुद से पता लगाया आपके बारे में। फर्निस का मतलब क्या होता है कि जो बंदा डिटेल्स दे रहा है उसने क्या बताया, और असर्टेंट बाय ही मतलब ये प्रॉपर ऑफिसर के बारे में कि उसने इसके बात का पता लगा लिया। ओके अब वो चाहे तो अप्रूव कर सकता है, हाँ भाई जेन्युइन रीजन है अप्रूव कर दो, या फिर रिजेक्ट द अमेंडमेंट कि भैया ये तो तुम मजाक मजाक खेल रहे हो, मजाक मजाक थोड़ा ना चलेगा GST के अंदर, नहीं होगा अमेंडमेंट। ओके इन द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ओके सच अमेंडमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट वारंटिंग सच अमेंडमेंट, कि भैया जिस दिन आपने वारंटिंग फॉर अमेंडमेंट सच अमेंडमेंट जिस दिन से आपने डिटेल दी थी हम मान लेंगे वहां से इफेक्ट हो चुका है, और अब आपका आपके जो ऑनर है वो VM सर नहीं रहे, अब DM सर हो गए, ठीक है। ओके ठीक है सर, सर ऊपर वाला पैराग्राफ भी पढ़ा दो। हाँ सर बिल्कुल पढ़ाएंगे। अप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट वेयर देयर इज एनी चेंज, जब भी कोई बदलाव आता है इन दी पर्टिकुलर फर्नेस्ड, जो भी पर्टिकुलर फर्नेस्ड होते हैं, पर्टिकुलर फर्नेस्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पर्टिकुलर फर्नेस मतलब होता है जो भी जानकारियां आपने भरी हैं, जैसे आपका नेम, बिजनेस का नेम, उसके ऑनर का नेम, ठीक है,
उसकी ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसका पैन, उसका आधार कार्ड, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर्स आपको कुछ भरने पड़ते हैं, जैसा कि आपने पहले सीखा था इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या फिर यूआईएन एप्लीकेशन के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन सेल सबमिट एन एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब मैनर, तो उसको जानकारियां देनी होती है विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। जो भी आप बदलाव कर रहे हो उसकी जानकारी आप 15 दिनों के अंदर दे सकते हैं, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच चेंज। जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड लग रहे हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे कॉमन पोर्टल पे। ओके, तो हमने कोर फील्ड को कैसे चेंज करता है पढ़ लिया। अब नन कोर, नन कोर मतलब ईमेल आईडी चेंज करना, फोन नंबर चेंज करना। एग्जांपल कैसे याद रखो, फोन नंबर हम चेंज करना चाहते हैं जी, सर हम अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ओके ठीक है सर, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, नन कोर फील्ड है कोई इंफॉर्मेशन का, जानकारी का। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल स्टैंड अमेंडेड अपॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फोर अमेंडमेंट ऑन द कॉमन पोर्टल। तो आप कॉमन पोर्टल पे जाइए, जो भी आपकी वेबसाइट है। कॉमन पोर्टल का मतलब क्या है सर, यहाँ पे वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट सर, सर जीएसटी की। तो जीएसटी की वेबसाइट पे जाके आप अमेंडमेंट कर दीजिए, वो हो जाएगा। यानी एक चीज दोनों में डिफरेंस है, पता है क्या, कोर फील्ड में, कोर फील्ड में प्रॉपर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्या कहता है, लेकिन नन कोर फील्ड में आप वेबसाइट के थ्रू खुद से ही जाके सारी चीजें अपडेट कर सकते हो। ओके, नाउ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बिजनेस। सर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप पहले एक फर्म थे, अब एक कंपनी हो गए। अब आप पहले आप सोल प्रोप्राइटर थे, अब आप फर्म हो गए। पहले आप सोल प्रोप्राइटर थे, अब आप कंपनी हो गए। ओके, क्या कहता है ये, वेयर अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बिजनेस। जब भी कोई बदलाव होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज ऑफ पेन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर पेन चेंज होता है, पेन चेंज होता है सर कैसे, सोल प्रोप्राइटर में बीएम सर का था, अब इसमें कंपनी का लगेगा। कॉर्पोरेट सिन आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन, द सेड पर्सन सेल अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पिछला वाला कैंसिल हो जाएगा, नया वाला उसको अलाउ हो जाएगा। द रीजन फॉर द सेम इज द जीएसटी इज अ पेन बेस्ड। ओके क्यों, क्योंकि जीएसटी कैसे होता है सर, पेन बेस्ड होता है। तो इस पे एमसीक्यू एक पूछ सकता है कि जीएसटी किसके बेस पे होता है, सर पेन बेस्ड होता है। एनी चेंज इन पेन वुड वॉरंट अ न्यू रजिस्ट्रेशन, कि भैया पेन में चेंज आएगा तो नया रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात डायग्राम के थ्रू भी थी, बट यहाँ पे पैराग्राफ समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये, देखो सर चार नंबर का क्वेश्चन है, फोर मार्क का और फोर पैराग्राफ्स है, 1, 2, 3 एंड 4 आपको आना चाहिए सर एग्जाम के लिए। लिटरली मैं इसे दूंगा 5 स्टार, अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर, इसी में एक अमेंडमेंट आई हुई है, मैं आपको बढ़ा देता हूँ फिर आऊँगा ऊपर। ये रीजन अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट है, लिख लेना, रिलेट टू सेक्शन 28। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन हमने लिया था, रजिस्ट्रेशन जो हमने लिया था, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करवाना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं सर कैंसिल, सर मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, या फिर बीएम सर ने डीएम सर को दे दिया, कोई भी रीज़न हो सकते हैं चेंज के, चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है। या फिर सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि बाई चांस कई बार अपने रिटर्न जो है वो टाइमली फॉलो नहीं कर रहे, फाइलिंग नहीं कर रहे, ना तो आप टैक्स पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देता है। क्यों, क्योंकि आप कोई भी चीज़ नहीं कर रहे। अब पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, तब आपका जो पोर्टल है वो खुलेगा, तब आप अपने रिटर्न फाइल कर पाओगे, टैक्स पे कर पाओगे। तो देयर इज अ टू वर्ड, दैट इज, वन इज कैंसिलेशन, सेकेंड वन इज सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब वी होल्ड योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट थी उसकी हमने प्रोसेस को होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे ये क्या था कंक्लूजन, इसको तो अभी आप इग्नोर कर सकते हो, मेन यहाँ से पढ़ो आपको समझ में आएगा। पीरियड एंड मैनर फॉर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर सस्पेंशन होगा तो क्या करना है, ये नई अमेंडमेंट ऐड हुई है। इसमें कितने पॉइंट्स है सर, देख सकते हो आप, 4 पॉइंट्स हैं, 4 मार्क्स के लिए सर, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसा बनेगा कि भैया सस्पेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब या तो केस स्टडी दे देगा, बोल देगा कि भैया सस्पेंशन हुआ है रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन उसका सस्पेंड हो गया कुछ दिनों के लिए, बताओ क्या होगा। तो वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हो सकता है कि सस्पेंड इसलिए कर रखा है क्योंकि उसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रखा है। अब कैंसिलेशन के लिए यहाँ अप्लाई कर रखा है तो तुरंत तो कैंसिल्ड हो नहीं जाएगा जब तक प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होंगे। प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक ये
आपका उस पीरियड के बीच में इसको सस्पेंड माना जा रहा है कि भैया हमने आपकी एक्टिविटीज को होल्ड कर रखा है, हम ये चेक करेंगे कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। ओके, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड, जब रजिस्टर्ड पर्सन जो है अप्लाई करता है सर कैंसिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन को, तब रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंड फ्रॉम। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड होगा। सर कब से होगा? एक कैंसिलेशन इज साउट, मतलब जिस दिन आपको पता चल गया कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो चुका है, आपको ईमेल के थ्रू, फोन पे मैसेज आएगा उसके थ्रू, या फिर जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट की उस दिन, विच एवर इज लेटर, यानी एप्लीकेशन सबमिट की पहले ही क्लियर था कि आपका कैंसिल हो चुका है तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट की, या फिर आपने एप्लीकेशन पहले सबमिट की और आपको बाद में पता चला कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, तो विच एवर इज जो लेटर होगा उसको हम फॉलोअप यहाँ पे करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? वेयर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन देयर ऑन मोशन, वो खुद से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आप रिटर्न फाइल करते हो, ना तो आप क्या करते हो सर, ना तो आप पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, कुछ भी नहीं कर रहे। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन, रीजन मतलब उसके पास प्रूफ है, एविडेंस है टू बिलीव दैट, उसको भरोसा भी है उस रीजन पे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड, कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। ही मे आफ्टर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, जब उसको सबसे पहले तो आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है भैया हम कैंसिल करना चाहते हैं लेकिन तुरंत नहीं करेंगे, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी का मौका देंगे कि यू हैव टू प्रूव कि भैया आप हमें बताओ कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। तो वो आगे बताएगा सर मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, मेरे पापा की डेथ हो गई, फिर बेटे की शादी हो गई, फिर पोता पोती हो गए, फिर सर टाइम नहीं मिला, फिर उसकी शादी में उसके स्कूल में बिजी हो गया, कोई भी रीज़न वो दे सकता है, एक मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है वो बोले सर बिजनेस में पैसे ही नहीं थे सर, एक रुपया ही नहीं रहे थे तो मैं कैसे रिटर्न फाइल करता, हर कोई तो पैसे ही मांगता है। सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन, तो वो आपका उस मतलब कि जब से मतलब उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि आपका हम कैंसिल करने जा रहे हैं, अब जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दे रखी है, ठीक है, अब इस बीच में हम आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमें प्रॉपर आंसर नहीं दिया। जिस दिन आप हमें क्लेरिफाई कर दोगे हम आपका रजिस्ट्रेशन या तो रोक देंगे या तो हम आपको मौका दे देंगे कि ठीक है आप आगे से अपना काम सही से करना। तो ये जो पीरियड रहा बीच के दौरान का, इसको सस्पेंडेड पीरियड भी कहा जाता है। ओके, नाउ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड एज अबव, जिसका रजिस्ट्रेशन इस वाले पैराग्राफ में सस्पेंड किया गया था, शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करेंगे सस्पेंशन के दौरान, और आपको शैल नॉट रिक्वायर टू फर्निश एनी रिटर्न अंडर सेक्शन 39, आपको रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इस पे MCQ भी बन सकता है, इस पे करेक्ट इनकरेक्ट भी बन सकता है, इस पे केस स्टडी भी बन सकती है। सो हाईलाइट दिस पॉइंट कि आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है जब तक आपका अकाउंट सस्पेंडेड है। द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, सस्पेंशन जो है वो उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर या तो कैंसिल कर देगा, प्रोसीडिंग्स को कैंसिल कर देगा, यानी अब आपके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था वो खत्म हो चुका है, तो जिस दिन से ये रिवोकेशन खत्म होगी उस दिन से सस्पेंशन जो होगा हैड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द सस्पेंशन हैड कम इनटू इफेक्ट। तो मतलब उस दिन तक आपको रिटर्न वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपको, वो है इस पॉइंट का कि रिटर्न भरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इजी 4 पॉइंट्स से यू कैन डू। ओके, अच्छा सर नीचे भी देख लेता हूँ कौन सा खतरनाक पॉइंट मुझे आपको बताना होगा। अच्छा ये वाला पॉइंट देखो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सर, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन, हम आपका जो कैंसिलेशन है उसको रिवोक्ट करवा रहे हैं या आपके रजिस्ट्रेशन को रिवोक्ट करवा रहे हैं, मतलब खत्म करवा रहे हैं, तो सेक्शन 30 के साथ रूल 23 है, आइए सुनते हैं क्या कहता है। वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज कैंसल्ड अप स्यू मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जब प्रॉपर ऑफिसर जो अभी हम बात कर रहे थे वो आपका, दिस इज स्यू मोटो, स्यू मोटो, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सच रजिस्टर्ड पर्सन मे अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, वो 30 दिन का उसके पास टाइम है, 30 डेज का, कि भैया 30 दिन में जाके वो बोल सकता है कि हजूर माफ़ करें गलती हो गई, कृपया करके हमें माफ़ करें, हम आगे से गलती नहीं करेंगे। ओके, कैंसिलेशन इज रजिस्टर्ड एट द GST कॉमन पोर्टल एट द प्रिस्क्राइब मैनर, वो मतलब मेल करके
वेबसाइट पे जाके, प्रॉपर वेबसाइट पे जाके रिक्वेस्ट डाल सकता है कि सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, आई हैव अ प्रॉपर रीजन टू अश्योर यू दैट आई एम नॉट डूइंग ऑन माई साइड, इट्स माई कंडीशंस एंड द सिचुएशन दैट आई एम अनेबल टू फाइल द रिटर्न्स, जो भी बातें हैं वो बताएगा। हाउएवर इन केस रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड ऑफ अ फेलियर ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन टू फर्निश बिफोर अप्लाइंग ऑफ रिवोकेशन पर्सन हैज टू मीट गुड फॉर द डिफॉल्ट्स by filling all the pending returns, making payment, all dues in terms of such returns, along with the interest, penalty, late fee, etc. मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका cancellation ना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको सारी pending returns जो आपने नहीं file की थी करनी पड़ेगी, आपको payment all due की देनी पड़ेगी, आपको सारी returns जो है वो file करनी पड़ेगी, आपको जो भी interest pending है वो देना पड़ेगा, late fees जो लगी वो भी आपको देना पड़ेगा, कोई penalty लगी वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल ना करें, यदि प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, अच्छा ठीक है आपने सब कुछ सही कर दिया वो मान गया, दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन, कि अच्छा ठीक है भैया आप सही कह रहे हो, आपसे गलती हो गई, हम आपको माफ कर देते हैं, ही मे रिवोक द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय एन ऑर्डर विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेंट, वो 30 दिनों के अंदर इस बात से सेटिस्फाई होकर आपको आंसर कर देगा कि हाँ भैया ठीक है आप परेशान मत होइए, एप्लीकेंट जी हम आपको बता दे रहे हैं कि हम अपना जो ऑर्डर हमने पास किया था कि आपको कैंसिलेशन कराना है अब आप मत कराइए, लेकिन हाँ ये जो 6 बातें हैं ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। 6 बातें कौन सी सर, मैंने मार्क कराया आप देख लीजिए, अदरवाइज ही मे बी रिजेक्ट द रिवोकेशन एप्लीकेशन, और अगर वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है आपकी एप्लीकेशन को, हाउएवर बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन ही हैज फर्स्ट इशू एन सो कॉज नोटिस, SCN मतलब क्या होता है सो कॉज नोटिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा और आपको 7 दिन के अंदर ये क्लैरिफिकेशन देनी है कि वाई शुड नॉट वी डिसकंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, कि हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करें, ठीक है, तो ये 7 दिनों के अंदर उसको बताना है, फिर वो 30 दिन के अंदर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देगा कि हाँ सर इस वजह से आपको रखना चाहिए, इस वजह से नहीं रखना चाहिए, हो सकता है कोई भी ग्राउंड, जैसे ये मेरे सर प्रैक्टिकल लाइफ है, मैंने देखा है, एक हमारे सर थे, मतलब मेरे सबसे पहले क्लाइंट थे, उनका नाम था श्याम बहादुर, ठीक, अब श्याम बहादुर जी ने अब तक मान के चलो 2019 से आज तक की ना तो रिटर्न्स फाइल की हैं ना तो टैक्स पे की है, और क्या कहते हैं सर पैसे नहीं मेरे पास मैं कैसे करूं, अब उनका जो टोटल अमाउंट है मुझे लगता है तकरीबन 1,20,000 क्रॉस हो चुका है, क्योंकि वो इतना डिले कर चुके, इतनी पेनल्टी लग चुकी होगी और उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो चुका है, तो ऐसा होता है यार, ऐसे रियल में क्लाइंट मिलेंगे आपको जो ऐसी गलतियां करते हैं। द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द SGST UTGST एक्ट एज द केस मे बी ही शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST एक्ट, मतलब वो कह रहे हैं अगर CGST एक्ट में रिवोकेशन हुआ ना तो SGST UTGST और IGST सब में ही इक्वलेंट इसको माना जाएगा। ओके ठीक है सर, ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया, तो मतलब ये वाला तो आपने पढ़ा ही रखा था, हाँ सर ये मैंने इनिशियली आपको पढ़ा दिया था, ये भी हो गया हमारा। नाउ वी हैव अ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, इसको आप लिख लो सेकेंड रिवीजन, आप इसे सेकेंड रिवीजन में पढ़िएगा आफ्टर टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपका जब टॉपिक हो जाएगा उसके बाद इसे करिएगा, ऑटोमेटिक आप ये कर लोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, कब सर सेकेंड रिवीजन के बाद आप ऑटोमेटिक इसको पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलिए सर, अब आप देखो सर हमने इतनी बातें पढ़ ली है कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं आप खुद कहोगे सर ये क्या बच्चों वाली बातें चल रही हैं यहाँ पे। सेक्शन 29 सेक्शन 30 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, सर एक होता है वॉलेंट्री, मैं खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूँ, एक तो स्वयं मोटो मतलब बाय प्रॉपर ऑफिसर, जब ऑफिसर इसमें कैंसिल करवाता है, और इसमें क्या होता है वो पर्सन कैंसिल कराता है जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ओके तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में क्या होता है वेयर द रजिस्ट्रेशन पर्सन नो मोर रिक्वायर्ड, उसको जरूरत नहीं है, या दूसरा प्रॉपर ऑफिसर कहता है कि भैया आप कंडीशन को वायलेशन कर रहे हो इसलिए आपको करवाना पड़ेगा। अब क्या है सर सर्कमस्टांसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड, कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पे कैंसिल करवाना पड़ता है, तो देखो सर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आइदर ऑन हिज ऑन मोशन वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन को, और अन एप्लीकेशन फाइल मतलब दो ऑप्शन बता रखे हैं, एक प्रॉपर ऑफिसर और दूसरा है वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री वाला हो गया, ये प्रॉपर ऑफिसर वाला हो गया,
ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो कैंसिल करवा सकता है, या दूसरा तरीका है आप खुद से भी मना कर सकते हो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, या फिर हो सकता है आपके यहाँ पे आपका लीगल हायर बोले कि भैया हमारे जो पापा हैं उनकी डेथ हो गई है, अब हम इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो और भी कंडीशन बताई है, बिजनेस हैज बिन, बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस अमलगमेट हो रहा है, बिजनेस डीमर्जर हो रहा है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है, इसलिए हमें बिजनेस जो है वो बंद करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, या फिर चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था, एक फर्म है वो कंपनी में बदल रही है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है वो फर्म में बदल रही है, या फिर वो कंपनी में बदल रही है, तो इस केस में भी पिछला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, पैन चेंज हो रहा है इसलिए रजिस्ट्रेशन भी चेंज होगा। ओके, सी द टैक्सेबल पर्सन अदर देन द पर्सन रजिस्टर्ड 25(3) नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर्ड 22(4). ठीक है भैया, अब उसको 22(4) में रजिस्टर नहीं रहना है। सर ये 25(3) याद आ रहा है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन वाला बंदा था ये, जिसकी लिमिट क्रॉस हो गई थी, अब उसकी लिमिट खत्म हो गई है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन जो है वो अब नहीं रखना चाहता। ओके, क्वेश्चन है सर्कमस्टांसिस व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज मोशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर कब देख के मना कर सकता है कि हाँ भैया आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है और आप रजिस्ट्रेशन में मत लीजिए। क्यों मत लीजिए सर? क्योंकि ये बंदा जो है ये प्रॉपर तरीके से रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहा। मैं आपको सबसे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यहाँ पे ये दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। देखो सर, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब आप 6 महीने से रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे थे, तो आप इसको हाईलाइट रखिएगा MCQ में कि 6 महीने से आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, या फिर आप सेक्शन 10 में थे, मतलब ये तो 9 वाला बंदा है, सेक्शन 9 वाला, ठीक, और सेक्शन 10 ये है जो नॉर्मल चार्ज में आ गया बंदा, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में जैसे रजिस्ट्रेशन, ये है क्या सर? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में थे आप एक छोटे बंदे थे, या फिर आप ये बोलो कंपोजिशन स्कीम वाले थे, जो भी थे, तो आपने अपनी टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की। इस केस में कह रहा है 6 महीने तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की। एनी पर्सन हैज टेकन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे वॉलेंट्री वाले को भी प्रिस्क्राइब कर लिया 25(3), ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है आपने 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं की। रजिस्ट्रेशन हैज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ फ्रॉड, आपने इसलिए रजिस्ट्रेशन लिया था ताकि आप फ्रॉड कर सको, विलफुल मिसस्टेटमेंट दे सको, कुछ बातें छुपा सको, फैक्ट्स को दबा सको। और ए पॉइंट है, रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंड सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब आपने किसी भी एक्ट में जो भी प्रोविजन थी उसका कॉन्ट्रावेंड मतलब उल्लंघन किया है, आपने चीजों को सही तरीके से फॉलो अप नहीं किया है। तो इन सभी केसेस में A to E, ठीक है, ऑन हिज मोशन, ठीक है सर, ये सर B, C, D के तो बहुत सिंपल है। BCD में B में आप कंपोजिशन डाल देना, C में नॉर्मल डाल देना, D में वॉलंटरी डाल देना, E में डाल देना फ्रॉड वाला केस, और E में डाल देना आप किसमें सर, आपने एक्ट का उल्लंघन किया। तो A2 आपको याद रहना चाहिए 5 स्टार है कि वो कौन से केसेस हैं जिसमें प्रॉपर ऑफिसर जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। भैया किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं? तो भैया अप्लीकेशन डालिए कैंसिलेशन का, 30 दिन का समय आपके पास, और इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। लेट सपोज आपने कोई मशीन खरीदी थी, कोई फर्नीचर खरीदा था, उस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, ठीक है, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया था इस पर 18% का, उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये पॉइंट ये कहता है, नाउ कैंसिलेशन ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर, आपको कैंसिल करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर जो है नोटिस भेज सकता है, ठीक है, या फिर आप उसे बोल सकते हो कि सर मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है, 30 दिन का समय है सर, आप ऑर्डर पास कर दीजिए कि हम अब रजिस्ट्रेशन नहीं रखेंगे, हम आगे से नॉर्मल रहना चाहते हैं। ओके, अब सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, इसमें प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है कि भाई तुम रजिस्ट्रेशन मत रखो क्योंकि तुमसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे, बट ऐसा करने से पहले 100 कॉज नोटिस दिया जाएगा, सुनवाई का मौका दिया जाएगा, 7 दिन का टाइम है, ठीक है, और उसके बाद 30 दिन के अंदर वो क्लैरिफिकेशन देगा कि सर माई बाप मुझे माफ़ करें, मैं रजिस्टर्ड रहना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरे पास प्रॉपर रीज़न है, फिलहाल माफ़ कर दो, आगे से मैं ख्याल रखूँगा। फिर एक नेक्स्ट लाइन आती है, ठीक है सर, ये यहाँ पे लिख देना MCQ पर्पज़ से, ये आपको काम आएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, किस डेट से आप कैंसिलेशन मानोगे?
The cancellation of registration shall be effective from the date to be determined by the proper officer. जिस दिन से proper officer बोलेगा वो, he will direct the taxable person to pay arrears of any tax. कि अगर आपका कोई पिछला tax pending है तो वो आप pay कर देना, कोई interest pending है वो pay कर देना, penalty कोई है तो वो pay कर देना, amount कोई भी liable to paid है, मतलब आपका GST कोई भी paid है तो वो paid कर देना. उस दिन से proper officer बताएगा कि किस दिन से आपको registration नहीं रखना है. ओके, तो इसी के साथ सर हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है. अच्छा एक और है क्या रिवर्सल, तो मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट टैक्स गेट में हम पढ़ेंगे. ओके, तो ये चीज़ें हमारी खत्म हो गई. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड टॉपिक है टैक्स ऑन वाइस. तो इसमें सर ई वे बिल भी है, तो ई वे बिल पे ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अराउंड 1 or 2 लेक्चर चले जाएंगे. बाकी टॉपिक्स पे भी मुझे अराउंड 2 to 3 लेक्चर, यानी टोटल 4 to 5 लेक्चर का ये टॉपिक भी रहेगा. ओवरऑल इस पर टाइम जो है वो ई वे बिल खाने वाला है, क्योंकि नया एड ऑन हुआ था. आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी ई वे बिल को प्रोसेसर सारे नहीं पता है, तो मैं पूरा इस टॉपिक में आपको ये खत्म करके देने वाला हूँ. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय. कमेंट करके मैसेज करके बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कंप्लीशन कैसा लगा, और हो सके पॉसिबल थोड़ा सा भी टाइम हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ हार्डवर्क मिलता है. ओके, थैंक यू.